नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूँ आपके साथ। मैं एजेंट चुनावी मिशन 2023 की जंग नीमच में पहली बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नीमच आ रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर महासभा का आयोजन है। सभा स्थल पर देखेंगे लोगों का आना शुरू हो गया। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में लोग आएंगे। नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर नीमच की जनता के बीच पहुंचेंगे, इसका संबोधन करेंगे। भाई बता दें कि एमपी में चुनावी जंग है, नीमच मंदसौर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम लहराए, इसको लेकर मोदी की सभा है। सभा में जनता को लेकर सभी की निगाह टिकी है। यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार, आज मोदी जी आ रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत धूमधाम का माहौल है और सभी उत्सव है मोदी जी को देखने में, क्योंकि एक देव पुरुष है इसलिए उनको देखने में बड़ा उत्साह है पूरे। किरण जी, आज मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नीमच में महासभा हो रहा है, एमपी विधानसभा चुनाव 2023 की जंग भी है, क्या कहेंगे, तस्वीरें क्या कहेगी आज की? तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का नीमच जिले के ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत आएगा। नीमच जिले की तीनों सीधा हम जो सीटें हैं वो ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं और जो देव पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका पहले पूर्व में आगमन हुआ था भगवानपुरा में, जब वो उद्घाटन करने आए थे सोलर प्लांट का, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। उसके बाद वे पुनः प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला जो जनसंपर्क आना आगमन है वो नीमच की धरा पर है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से माहौल बना हुआ है, किस प्रकार से जनता पलक पावड़े बिछाकर अपने माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन और स्वागत अभिनंदन हृदय से करने के लिए। कांग्रेस के लिए भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, क्या मोदी का जादू चलेगा नीमच में? नीमच छोड़िए, आप मोदी जी का जो जादू है वो विश्व में चल रहा है, तो नीमच बहुत छोटी चीज है। कांग्रेस ये भूल जाती है कि पिछले 60 साल राज करने के बाद भी कांग्रेस वो कार्य नहीं कर पाई, विश्व में अपना परचम नहीं लहरा पाई भारत का, लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व के अंदर अपना परचम लहराया है। हम समझ सकते हैं कि 6 से 7 संयुक्त राष्ट्र जो है वो मोदी जी के साथ है, वो भारत के साथ है। बिना जी ये बताइए, यहाँ पर कुर्सियाँ तो बहुत लगा दी भाजपा ने, बोल दिया लाखों की तादाद में लोग आएंगे, क्या लगता है वाकई में आएंगे, तस्वीरें क्या कहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे, क्योंकि मोदी जी हर दिल में बसे हुए हैं, हर दिल में बसे हुए हैं, तो यहाँ तक जरूर आएंगे। धीरे धीरे देखना आप, इस कुर्सियाँ भर जाएंगी और उसके बाद भी लोग खड़े रहेंगे। सीटें आएगी नहीं आएगी, जनता तो आ जाएगी लेकिन। बिल्कुल, हमारे नीमच विधानसभा की तीनों सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। क्या लगता है मुकेश जी, इस बार चुनावी माहौल है, कांग्रेस के लिए भाजपा जा रही है, चुनावी माहौल की बात करें, नीमच जिस सीट पर करे हैं, बता रहे दिलीप बाबू से भाजपा नाराज है, क्या लगता है माहौल क्या है, गांव में जा रहे हैं और चुनाव परिणाम क्या होंगे? चुनाव परिणाम बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। आज देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी आ रहे हैं, उनको सुनने में लाखों की संख्या में आ रहे हैं, यहाँ माताएं बहनें लाडली बहनें सब आ रहे हैं और नीमच संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीट हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। क्या लगता है दिलीप जी, भाजपा जीत पाएगी, बापू विधायक बन पाएंगे और मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? नीमच के चौथी बार हमारे विधायक जी भारी बहुमत से के साथ विजय श्री प्राप्त करेंगे और हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान लगातार अपनी सरकार वापस से बनाएंगे और भारी बहुमत के साथ हम वापसी करेंगे और दिलीप बाबू 25,000+ मत से जीतेंगे। नेता जी बताना चाहूँगा, ललित जी ग्वाला हमारे साथ में, ललित जी कुर्सियाँ तो बहुत लगा दी हैं, जनता आएगी या नहीं आएगी आज? वहाँ कुर्सियाँ कम पड़ जाएगी, इतनी जनता आएगी मोदी के, मोदी इस क्षेत्र के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता है, इसलिए निश्चित तौर पर कुर्सियाँ कम करने पड़ने वाली है। दीदी कहाँ से आए आप यहाँ पर आज? मैं सुवासरा विधानसभा, सुवासरा से आए। एमपी में बता रहे हैं कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, यहाँ मोदी की सभा है, क्या लगता है पब्लिक कितनी आएगी और चुनाव परिणाम क्या होगा? इस दिवाली जितनी भी बहनें हैं वो इस दिवाली घर की सफाई के साथ साथ कांग्रेस की भी सफाई करेगी, भाजपा जा नहीं रही है, भाजपा आ रही है और भारी मतों से आएगी। क्या लगता है लाडली बहना का जादू चलेगा मामा शिवराज का? अगर महिला वर्ग के बारे में किसी ने सोचा तो भाजपा ने ही सोचा। हमारे घर पे छत अगर हो तो वो भी भाजपा की सरकार लेके आई, घर में शौचालय हो तो भी भाजपा की सरकार लेके आई, लाडली बहना योजना हो या हमारे बच्चों की शिक्षा हो, गणवेश हो या साइकिल हो, वो सब लेके आ रही है तो भाजपा की सरकार कर रही है। तो निश्चित हम महिलाएं तो है भाजपा के साथ है, शिवराज जी के साथ है और मोदी जी के साथ है। कुर्सियां तो लगा दी है दीदी, क्या लगता है भरेगी नहीं भरेगी मोदी के नाम से? बिल्कुल भरेगी और खड़े रहने की जगह नहीं बचेगी, इतनी भरेगी क्योंकि कांग्रेस का तो देश से ही सफाया है। मामा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बड़ा सवाल है।
देखिए मामा का कमल का फूल अभी हम देख रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री नहीं देख रहे, प्रधानमंत्री जी ने अभी कमल के फूल को प्रोजेक्ट किया है। हम कमल के फूल को वोट देंगे, जो भी प्रधानमंत्री हमें मुख्यमंत्री देंगे वो स्वीकार है। महिलाओं को लेकर कहते हैं कि मामा की तरफ महिलाओं का झुकाव ज्यादा है, कांग्रेस भी महिलाओं पर सरकार बनना है बिगड़ना महिलाओं पर डिपेंड करता है। देखिए महिलाओं का रुख क्या और क्या नतीजे आने वाले हैं? हम जहाँ भी महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं महिला बहुत खुश है और प्रचंड बहुमतों से सरकार बनेगी। जैसा कि बताना चाहूंगा यहाँ पर बंसी लाल जी जो है हमारे प्रभारी है और किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है, बंसी लाल जी आज मोदी जी की सभा है, कुर्सियां तो बहुत लगा दी है, क्या लगता है भरेगी, क्या तस्वीरें होगी? जितनी कुर्सियां है उससे तीन गुने लोग होंगे, चिंता मत करिए आप। कांग्रेस कह रही है भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस गई हुई है, कभी नहीं आएगी, चिंता मत करिए। इस बार नीमच मंदसौर की बात करें, सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्या लगता है लोगों के बीच आप भी जा रहे हैं लगातार, क्या माहौल है? हम मंदसौर संसदीय क्षेत्र के 8 सीटें जीतेंगे और हमारा जो उज्जैन संभाग है उसकी 29 सीट जीतेंगे। किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष है, किसान सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते तो बिगाड़ने में, क्या लगता है इस बार भाजपा के प्रति किसानों का क्या रुख है? किसानों का बहुत पॉजिटिव रुख है और किसानों की जिंदगी बदलने का काम मोदी जी ने किया है। दिग्विजय सिंह कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकते, राहुल गांधी को समझ नहीं है और कांग्रेस के पास में कोई नीति नहीं है। क्या लग रहा है काका, बंसी लाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आ ही नहीं सकती है? बंसी लाल जी जो कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं। जनता कितनी आएगी यहाँ पे? जनता इतनी आएगी कि आप देखते रह जाओगे। आपको अच्छा जी पहली बार आ रहे हैं नीमच में, लोगों में कैसा उत्साह? सोमवार धन्यवाद एक लाल की बाई जी जननी ने जना श्री नरेंद्र जी से बाई। क्या लगता है कैसा माहौल लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ पीछे महेंद्र जी भटनागर है, महेंद्र जी कुर्सियां तो बहुत लगा दी, क्या लगता है भरेगी या नहीं? जनता अपार उत्साह और उमंग के साथ दौड़ी चली आ रही है, ये तो भी एक झलक है। समापन और उत्थापन कैसा होगा जनता देखेगी, लाखों की संख्या में लोग घरों से निकल पड़े हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। नीमच की अगर बात करें तो इस बार कहा जा रहा है कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र को कांग्रेस के लिए भाजपा के गढ़ को भेंट डालेंगे, क्या लगता है चुनावी ग्राउंड पर तस्वीरें क्या बनेगी? देखिए सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी और आगे भी 7 सीटें जीत के जाएगी। देर में मोदी जी आने वाले, लोग तो आना शुरू हो गए, बस मोदी जी का इंतजार है, मोदी जी के आते ही जनता तैयार है। जैसा कि बताना चाहूंगा यहाँ पर पीछे पांडाल भजकर तैयार हो गया है, लोग सभा स्थल पर आना शुरू हो गए हैं। चुनावी बात करें तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चेकिंग की जा रही है लगातार, मोदी के जयकारों के साथ में, जय श्री राम के नारों के साथ में पांडाल गुजता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी का इंतजार बेसब्री से जो यहाँ की जनता कर रही है, लोगों में खासा उत्साह है। अब देखना होगा मोदी यहाँ कितनी देर में आते हैं, सभा में कितनी तादाद में भीड़ आ पाती है और चुनावी परिणाम में क्या मोदी का जादू चलेगा, क्या एमपी में किसकी सरकार बनती है। इसका भैया ध्यान रखना विशेष, ये डंडी ऐसी खिसक रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जरा हुई जरा।